अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अजीम खान। हमेशा की तरह छोटी छोटी और कुछ बड़ी रेसिपीज के साथ आज जो मैं बनाने जा रहा हूं, जिसकी डिमांड थी, आप लोगों ने कमेंट किया था मुझे, किसी दोस्त ने अच्छा कमेंट किया था मुझे कि आप मुझे फ्रेंच टोस्ट बनाना सिखाएं कि बेसिक फ्रेंच टोस्ट बनते कैसे हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, ब्रेड तकरीबन आपने थिन स्लाइस नहीं काटनी। अक्सर मैंने देखा है कि ब्रेड थिन स्लाइस की वजह से जो आपका फ्रेंच टोस्ट है वो बिल्कुल सुकड़ जाता है, पतला सा बनता है। आपने इस इतना मोटा ब्रेड लेना है, इस या मैंने तीन ब्रेड ले लिए, और इसके साथ हमें चाहिए एग। एग हम सबसे पहले पैन में डालेंगे एग, शुगर तकरीबन 3 से 4 टीस्पून, शुगर, मिल्क तकरीबन 1/2 कप मिल्क डालेंगे इसके अंदर, इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है आपने। सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, वनीला एसेंस 2 से 3 ड्रॉप। वनीला एसेंस ऑप्शनली है, अगर आपको पसंद है तो वनीला एसेंस डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो जरूरी नहीं है। ये इस तरह बैटर बन जाएगा। ये बैटर आपका बिल्कुल तैयार है। अब ये ब्रेड है, ब्रेड को हम जो इस टाइप की आपने इतना मोटा थिन स्लाइस लेना है, इसको हम डिप करेंगे इसके अंदर। ये हमने डिप करके रखा हुआ है, 2 पीस डिप कर लिए, अभी 2 पीस बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले पैन के अंदर आपने बटर लेना है, बटर डाल लेना है, और हीट जो है बिल्कुल स्लो रखनी है इसकी। ये आपने ख्याल करना है, आपकी हीट अगर तेज होगी तो ये जल जाएगा। एक साइड होगी है इसकी, अब दूसरी साइड ऐसे गोल्डन कलर आना चाहिए। ये फ्रेंच टोस्ट आपका पक चुका है, दोनों तरफ से गोल्डन हो चुका है, ये देखें। इसमें निकाल लेते हैं। अच्छा, आप इसको काट भी सकते हैं और इसको साबुत भी लगा सकते हैं। मैं काट के लगा रहा हूँ प्लेट के अंदर। ये आइसिंग शुगर, ये आपके फ्रेंच टोस्ट रेडी हैं। और नई रेसिपी के साथ मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कलरी हीरोज। और थोड़ा सा इसको खा के मैं चेक भी कर लूँ, ये मैंने मैपल सिरप के साथ दिया है, आप हनी के साथ भी दे सकते हैं। इसके साथ मैंने वाह सॉफ्ट सिनेमन का फ्लेवर और जबरदस्त किस्म का अरोमा, सॉफ्ट और हॉट हॉट अपने बच्चों को दिए, अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, और ये अपने घर में यूज़ करें। ज़बरदस्त रेसिपी है और बड़ी इजी रेसिपी है। इसके साथ आप फ्रूट भी ले सकते हैं आप। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, मिलते रहिए अजीम खान को। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।